नमस्कार दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जिला फाजिलका के बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने सरकारी विभागों में बिजली के पेंडिंग पड़े बिलों की अदायगी तत्काल न किए जाने पर बिजली कनेक्शन काट दिए जाने की चेतावनी दी है। राज्य के आर्थिक दृष्टि को देखते हुए PSPCL के सरकारी विभाग सहित डिप्टी कमिश्नर और SSP के दफ्तरों और निवास व राज्य भर में बकाया चल रहे बिजली बिलों को लेकर काफ़ी सरगर्म व सख्त दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जिला फाजिलका के सरकारी विभागों में चिरकाल से पेंडिंग पड़े बिलों को लेकर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जल्दी से जल्दी बिलों की अदायगी करें, अन्यथा उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस संबंध में जिला फाजिलका के सीनियर एक्सियन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि अगर यदि उन्होंने बिलों की अदायगी ना की तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जो महकमे दिया हिदायतें हैं, जो जरूरी एसेंशियल सर्विसेज है उन्होंने छड के बाकी सारे नोटिस दे दिए गए हैं, तो बनती कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने उस हिसाब से कनेक्शन कटे जाएंगे। तो उन्होंने जिनी जिनी अमाउंट है सारे दफ्तर सूचित कर दी गई है, ये समय से करी जाए। सर, फाजिलका के डिप्टी कमिश्नर तो SSP के घर या दफ्तर का बिल भी कोई बकाया है? हाँ जी, साढ़े को लिस्ट है जिसे काफ़ी दफ्तर ने, तो उन्होंने सारे नोटिस दे दिया गया या वह बिल भरो, नहीं तो कनेक्शन कटे जाएंगे।